जय हिंद, नमस्कार, सभी का स्वागत है। लक्से आर्मी एप्लीकेशन पर सभी लाडले साथियों का स्वागत रहेगा, अभिनंदन रहेगा। और आज की शानदार क्लास के अंदर बिल्कुल सभी लाडले साथी जुड़ जाए। कल की ये जो क्लास थी केमिस्ट्री की, वो क्लास लाडलो फिजिक्स के अंदर चली गई, हो सकता है ध्यान नहीं दिया मैंने भी। और बिल्कुल चलिए फटाफट जुड़े, जल्दी से देखें। जय हिंद भाई सभी को। कल वाली क्लास नहीं डाली है गुरुजी? बेटा कल वाली क्लास फिजिक्स में आ गई है, मैं अभी उसको डाल दूंगा ना, थोड़ी देर बाद उसको कॉपी करके इसमें डाल दूंगा, ठीक है? चलिए चलिए, शाबाश। कल हमने लास्ट तक कहाँ तक पढ़ लिया था बताओ, देखिए। शाबाश, सभी का स्वागत है। सर ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में हमने पढ़ा था, ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में हमने पढ़ा था। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं कितने टाइप से हो सकती है, उसका प्रश्न एग्जाम में कैसे आता है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, एक बार दोबारा देख लीजिएगा। थोड़ा थोड़ा नॉर्मल बातें बता रहा हूं। चार चीजें याद रखना है किसके अंदर, यदि ऑक्सीकरण का और अपचयन का यदि आपके कोई प्रश्न आ जाता है, ऑक्सीकरण और अपचयन का कोई प्रश्न आ जाता है तो आपको ध्यान से देख लेना है मेरे साथियों। सर वो चार टाइप कौन कौन से हैं? पहला था किसके आधार पर, ऑक्सीजन के संयोग व वियोग के आधार पर, नंबर एक। नंबर दो था हाइड्रोजन के संयोग व वियोग के आधार पर, ठीक है? फिर था धन विद्युत तत्व का जुड़ना और धन विद्युत तत्व का हटना मतलब निकलना। अगला था चार नंबर पे ऋण विद्युत तत्व का जुड़ना और निकलना। और लास्ट था आवेश का बढ़ना या इलेक्ट्रॉनों का या अपन एक भी कह सकते हैं आवेश का बढ़ना या घटना। आवेश अणु से, परमाणु से, आयन से, है ना भाई, इलेक्ट्रॉनों का त्यागना और इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना, है ना। इलेक्ट्रॉन त्यागने के आधार पर और इलेक्ट्रॉन बिल्कुल जुड़ने के आधार पर, मतलब ग्रहण करने के आधार पर, है ना, त्यागने के आधार पर या ग्रहण करने के आधार पर। ये कुछ हमारी परिभाषाएं थी। और इस टाइप से प्रश्न आ सकता है कि कहीं ऑक्सीजन जुड़ता है, कहीं निकलता है, कहीं हाइड्रोजन जुड़ता है, कहीं हाइड्रोजन निकलता है, कहीं धन विद्युत तत्व जुड़ता है, कहीं वो निकलता है, कहीं ऋण विद्युत तत्व जुड़ता है और कहीं वो निकलता है, और कहीं इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ये कल की हमारी क्या थी, परिभाषाएं थी लाडलो। अरे ठीक नहीं थी? चलिए, कल मेरी क्लास नहीं चल रही थी सर। इलेक्ट्रॉन का आधार पर अपचयन तक पढ़ लिया था, बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे बात करते हैं। एक विद्यार्थी सौरभ नरसिंह लवर बोल रहा है। आज अपन बात करेंगे मेरे साथियों, सबसे पहले हेडिंग डालो आज की। आज की क्या डाले भाई? हेडिंग डाले। हेडिंग में लिखो भाई ऑक्सीकरण। क्या लिखोगे? ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन। और मैं जैसे बोलता हूं वैसे परिभाषा नोट कर लेना साथ साथ, परिभाषा मेरे साथ साथ। सर कल मेरी क्लास नहीं चली थी, बेटा चल जाए। उदयपाल नितेश कुमार सर कल, बेटा लिखो, देखे फटाफट, परिभाषा नोट करो जल्दी से, देखें लिखो। किसी परमाणु या आयन में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन, याद रखना, अधिक इलेक्ट्रॉन का एक या अधिक इलेक्ट्रॉन का त्यागने से एक किसी परमाणु या आयन का एक या अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करने पर या त्याग करके उच्च विद्युत धनात्मकता एवं निम्न विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु या आयन में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन या तो त्याग करते हैं और त्याग करने से उच्च विद्युत धनात्मकता एवं निम्न विद्युत ऋणात्मकता में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता, ऑक्सीडेशन कहलाता है। लिख लो परिभाषा फटाफट, सभी लाडले परिभाषा नोट कर ले, एक बार कर ले भाई फटाफट परिभाषा। ऑक्सीकरण की सीधी इक्वेशन है, किसी परमाणु या आयन में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके उच्च विद्युत धनात्मकता एवं निम्न विद्युत ऋणात्मकता में क्या हो जाना भाई? परिवर्तन हो जाना क्या कहलाता है भाई? हाँ, क्या कहलाता है सर? ऑक्सीकरण कहलाता है। इसी के साथ साथ हमारी जो सेकंड परिभाषा है 2 नंबर पर, और सर वो कौन सी? देखो दूसरी परिभाषा हमारी कौन सी है? अपचयन। किसकी परिभाषा है? दूसरा लिखो अपचयन, इसको बोलेंगे रिडक्शन। रिडक्शन अपचयन। देखो अपचयन में जस्ट इसका उल्टा परिभाषा हो जाएगी, क्या लिखेंगे? किसी परमाणु या आयन में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके निम्न विद्युत धनात्मकता एवं उच्च विद्युत ऋणात्मकता अवस्था में परिवर्तन ऋणात्मक अवस्था में परिवर्तन। बस 2 लाइनें याद रखना है लाडलों। बस आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अंदर 2 ही चीजें याद रखना है। सर ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? त्याग होता है। क्या होता है? जबकि अपचयन में क्या होता है सर? इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं। क्या होते हैं लाडलो? इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं। बस इतना याद रख लो, आपका काम बन जाएगा। कई सारे सवाल, कई सारे विद्यार्थी, हाँ जी बिल्कुल, सभी लाडले साथियों का स्वागत रहेगा, अभिनंदन रहेगा। फर्स्ट राना यादव, फर्स्ट क्लास है सर, बहुत बढ़िया। या फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई बताओ? देखे पहले आप दोनों परिभाषाएं नोट कर लो। किसी भी परमाणु या आयन द्वारा, ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करके या तो वो उच्च धनात्मकता या उसको अपन कहते हैं निम्न विद्युत ऋणात्मकता में उसका क्या होना? अवस्था में परिवर्तन हो जाना ऑक्सीकरण होगा। और अपचयन की परिभाषा क्या होगी सर? अपचयन को इंग्लिश में रिडक्शन कहते हैं। किसी परमाणु या आयन में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उसमें या तो निम्न, देखो इसमें क्या है? उच्च विद्युत धनात्मक, तो ये क्या है निम्न विद्युत धनात्मकता, और यहाँ लिखा निम्न विद्युत ऋणात्मकता, तो यहाँ लिख दिया हमने उच्च विद्युत ऋणात्मकता अवस्था में परिवर्तन होना क्या कहलाता है सर? अपचयन कहलाता है। नोट करो फटाफट, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, कर लो फटाफट। अब देखो जब ये दोनों चीजें आप लोगों को याद हो जाएगी तो यहीं से दो ऐसी परिभाषाएं निकल कर आएगी। देखो एग्जाम में क्या होता है कि हम कई सारी चीजें हैं वो हमारे दिमाग से निकल जाती है, फिर वहां पूछता है तो अपन क्या उसको उल्टा लिख देते हैं। और दो ऐसी चीजें मैं आपके सामने लाने वाला हूं जो रियल में ही बिल्कुल साक्षात उल्टी है। साक्षात क्या है? एकदम उल्टा है। सर नरसिंह सर तो GD निकला, बिल्कुल बेटा रवि आराम से निकल जाएगा, मैसेज देख किया। हाँ भाई रवि भाई सभी का बिल्कुल जय हिंद भाई लाड लो। हाँ हाँ बेटा कल केमिस्ट्री की क्लास हुई थी, बिल्कुल एयरफोर्स के लिए भी बिल्कुल ये काम आ सकता है लाड लो, केमिस्ट्री का जो भी वेटर है आप देख पा रहे हैं। अब देखो मैं यहाँ पर एक विशेष लाइन लिख रहा हूँ, उसको ध्यान से देख लेना। देखो साथियों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, एक तो होता है ऑक्सीकारक, देखो वो था ऑक्सीकरण, और ये क्या है ऑक्सीकारक। क्या है लाडलो? ऑक्सीकारक है। और सर एक होता है अवकारक, क्या होता है? अवकारक, थोड़ा सा फर्क है। क्या है लाडलो? थोड़ा सा फर्क है। एक होता है सर ऑक्सीकारक और एक होता है अवकारक। बस ये बात जिसके समझ में आ जाएगी तो लाडले उसका एक सवाल है भाई और ज्यादा बेटर हो जाएगा, ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों में क्या फर्क है। देखो ऑक्सीकारक, कोई बोले सर ऑक्सीकारक क्या होता है? एजेंट होता है एक विशेष, और ये भी एक विशेष एजेंट होता है, पदार्थ होता है। इसको क्या बोलेंगे? वे पदार्थ, वे पदार्थ जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और जिनका अपचयन होता है, जिनका क्या होता है? अपचयन होता है, उसे ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। ये देखो उल्टा हो गया लाडलो, है ना, गलती मत कर देना। उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं जिनका अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। इसमें जस्ट उल्टा आएगा, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और जिनका ऑक्सीकरण होता है, क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, उसे अवकारक कहा जाता है। अवकारक कहा जाता है, अवकारक और ऑक्सीकारक। अब कौन से पदार्थ ऐसे होते हैं जो ऑक्सीकारक होते हैं? जैसे ऑक्सीजन का नाम आया, O3 का नाम आया, क्या है भाई? ऑक्सीजन और ओजोन दोनों के दोनों क्या होते हैं? ऑक्सीकारक होते हैं। क्या होते हैं? ऑक्सीकारक होते हैं। जैसे H2O, इसके अलावा HNO3 हाइड्रोजन नाइट्रेट, इसके अलावा और भी कई सारे एग्जाम्पल है इसके अंदर जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं लाडलो? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं जिनका अपचयन होता है ऑक्सीजन, ओजोन, H2O, HNO3। ये सब एग्जाम्पल किसके होंगे? हाँ जी बिल्कुल, कई सारे छात्र मैसेज कर रहे हैं भाई, बिल्कुल लाडलो, सही सही आंसर बोलना है ना। तो थोड़ा सा इनको भी एक बार कंफर्म देख लेना। इसके अलावा इसमें आपका एक और होता है जैसे KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, एक होता है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये एग्जाम्पल सब किसके हैं? ऑक्सी कारक के हैं। तो सर अपचयन वाले बता दो, अपचयन मतलब जिनका ऑक्सीकरण होता है वो कौन कौन से होते हैं, इनके एग्जाम्पल भी आप साथ साथ क्या कर ले भाई, नोट कर ले। जिसमें आपका एक तो हाइड्रोजन आएगा, एक आपका H2S आएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड वो किसमें आएगा? आपका इसी के अंदर आने वाला है ना। O2, O3, H2O, HNO3, KMnO4, K2Cr2O7 पोटेशियम क्रोमेट डाइक्रोमेट। और ये होता है आपका पोटेशियम परमैंगनेट, ये होता है नाइट्रिक एसिड। इसमें देखो H2, H2S, ये एग्जाम्पल लिख लो इसके अंदर, फटाफट उतार लो जल्दी से, उतारो उतारो फटाफट उतार लो। देखे और भी लिख सकते हो उसमें, CO है, SO2 है, SnCl2 है ना। कई सारे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल तो खूब सारे मैं और भी लिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कार्बन है, कार्बन इसमें लिख सकते हो। और एक इसमें हाइड्रोजन आयोडाइड, ये लिखो, ये लिख सकते हो, कार्बन लिख सकते हो, आयोडाइड लिख सकते हो, हाइड्रोजन आयोडाइड। ये कुछ एग्जाम्पल है, वो किसके हैं? सब के सब अवकारक है। इसमें आप लेड डाइऑक्साइड भी लिख सकते हो, PbO2। ये इतने सारे एग्जाम, वैसे तो याद करोगे उतना ही कम है। अक्सर इनमें से कोई एग्जाम्पल आपके सामने आ जाता है कि बोलेगा कौन सा ऑक्सी कारक है, निम्न में से कौन सा अवकारक है। तो पहले तो ये पता तो रहना चाहिए कि कौन से जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं, जिनका अपचयन होता है, वो सब क्या होते हैं? ऑक्सीकारक। और जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, जिनका ऑक्सीकरण होता है, वो कहलाते हैं अवकारक। दोनों अलग अलग परिभाषाएं। उतार लो फटाफट जल्दी से। सर नोट लाइव से ही नोट करना, अरे हाँ बेटा करना है, नहीं नहीं डिलीट नहीं होगी ये, बाद में रिकॉर्डेड में जाएगी। सर मेरा नेट स्लो चल रहा है, वीडियो रह गई, डिलीट हो जाएगी? नहीं बेटा नहीं नहीं, गुरुजी केमिस्ट्री फिजिक्स बायो के फुल नोटिस है एप्लीकेशन में। हाँ बेटा है, कोई दिक्कत नहीं है। सर अवकारक को अपचायक भी कहते हैं, बिल्कुल अपचायक भी कहते हैं। कहते हैं मेरे भाई, एक विद्यार्थी का बहुत बढ़िया कमेंट आ रहा है, ये क्या नाम है इसका, ये है भाई सौरभ। बिल्कुल सौरभ तो भाई बिल्कुल कल भी बहुत अच्छे यहाँ पर दे रहा। सर अवकारक वो होता है जिसका ऑक्सीडेशन होता है। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, अच्छा लिखा आपने, शानदार लिखा है। और ये बोल रहा है सर, हाँ तेरा स्लो चल रहा है बेटा, ये तो बात सही है तेरी। ठीक है ठीक है ठीक है भाई, ठीक है। हाँ अब देखो, इस एक विद्यार्थी को कमेंट भी है और आप लिख भी सकते हैं यहाँ, इसमें आप अपचयक भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऑक्सीकारक और अपचयक। ठीक है, एक बार ये चीज यदि आपने सही ढंग से उतार ली और सही ढंग से ईमानदारी से लिख लिया, तो मैं कह रहा हूं कि आने वाला कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, आप लोगों का कितना ही बड़ा लेवल का पर्सन हो, यदि ऑक्सीकारक और अवकारक में से आएगा तो इनसे बाहर कोई भी एग्जाम्पल नहीं आएगा। अब आपको वो चीजें लिखनी है, वो एग्जाम्पल लिखने हैं जो ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की भांति व्यवहार करते हैं, उभयनिष्ठ होते हैं। तो वो कौन कौन से ऐसे पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीकारक भी है और अवकारक भी है, दोनों साइड के होते हैं, उनके बारे में भी नोट करना है। एक बार इनको फटाफट आप लिख दो ना, मैं चेक कर लेता हूं। कल भी कई सारी दिक्कतें हुई थी क्लास में, लाइट नहीं थी है ना, कल लाइट चली गई थी, इस वजह से दिक्कत भी आ गई थी बीच में। बेटा उतारो बेटा, फटाफट उतारो। सर सर मेरा 20/12/2001 है बेटा, फॉर्म भर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उतारो उतारो फटाफट उतार लो, दे जल्दी से, टाइम खराब मत करो बिल्कुल भी। ये केमिस्ट्री का शायद मेरे हिसाब से तीसरा पार्ट चल रहा है ना। इसके बाद आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना बताएंगे अभी। थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है बेटा, 2 मिनट का टाइम लगेगा। हाँ बेटा, ये बेटा नेटवर्क अचानक नेटवर्क चला गया बेटा, 5G का नेटवर्क था, नेटवर्क बंद हो गया। हाँ जी नमस्कार नमस्कार बेटा, नेटवर्क चला गया ना, ये नेटवर्क बंद हो गया बेटा, आगे से लाइन लाइन ऑफ हो गई। क्लास तो मैंने अभी स्ट्रीमिंग बंद ही नहीं करा है, क्या करूं मैं बता, मेरी इश्यू नहीं है बेटा, ये नेटवर्क का इश्यू है ना। बेटा क्लास चल रही है लेकिन वो सर्वर एरर हो गया बेटा। अरे बेटा आगे से आगे से आगे से, हेलो हाँ जी हाँ हाँ जी बेटा, बेटा नेटवर्क आगे से चला गया यार, क्या बताऊँ मैं बोल रहा हूँ नेटवर्क चला गया, नेटवर्क हाँ ठीक है।